أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. सलावत पर दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। क़िबला आइए प्लीज आ जाइए। क़िबला ज़ुल्फ़िकार साहब शिमला भी घर ही बैठ जाइए। आ जाइए थोड़ा लिबास औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुअज़्ज़म उलमाए कराम, आज यहाँ पर जमा होने की गायत
तमाम उलमा व खुतबाए मुंबई व अतराफ़ मुंबई का आज का ये इज्तिमा हमारे मुल्क हिंदुस्तान और यहाँ पर होने वाली मुनाफिरत और मुनाफिरत के नतीजे में पैदा होने वाला वसीम रिजवी, जिसने गुज़श्ता बरसों से अब तक इस्लाम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी और इस्लाम दुश्मन ताकतों की आगोश में बैठकर जिस तरह से उसमें उसने शतम कुरान और अहले बैत रिसालत रसूल और आले रसूल किया, यकीनन वो शातिम रसूल और शातिम कुरान है। उसी को लेकर आज मस्जिद ईरानियान के इस हुसैनी हॉल में हमारे तमाम मोहतरम उलमाए कराम मुज्तमा हुए हैं और आज अपने अपने ख्यालात और अपने अपने एहतजाज के ज़रिए मुल्क व मिल्लत और मौजूदा हुकूमत और मिशनरी को इंतबाह दे रहे हैं, मुतनब्बे कर रहे हैं कि ऐसी ताकतें मुल्की सालमियत और मजहबी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। मजहब कोई भी हो, सरकार ख़त्म मर्तबत हुजूर अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं वो दूसरे मजाहिब के एहतराम की दी हैं। एहतराम हर हाल में बाकी रहना चाहिए, नज़रियाती इख्तलाफात हर दौर में रहे हैं, लेकिन नज़रियात के इख्तलाफ को मजहब की बुनियाद बनाकर जिस तरह से आज हमारे मुल्क में नफ़रत और मुनाफरत को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये तश्वीशनाक है। उलमाए कराम पर मुझसे ज़्यादा ये बात ज़ाहिर व बाहिर है कि इसके पसे पुश्त जो ताकतें कार फरमा हैं वो सिर्फ़ हिंदुस्तान में बसने वाली इस्लाम दुश्मन ताकतें नहीं हैं, बल्कि आलमी इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये खेल खेला हुआ है और ये प्रोपेगेंडा करने का आगाज़ किया हुआ है। हिंदुस्तान जो तमाम मजाहिब का एक गुलदस्ता है, आज इसको जबकि अरब पहले ही से पूरा अमेरिका और इसराइल की जद में है, अरबों के हालात जाहिर हैं, रोहंगिया में जो हुआ मुसलमानों के साथ वो जाहिर है, और जो हालात आज वसीम रिजवी को लेकर के हिंदुस्तान में खेल खेला जा रहा है और उसके साथ हिंदुस्तान की हमारे बरादरान वतन की अक्सरियत के कुछ गद्दारों को निकाल कर उसके साथ किया जा रहा है, ये नविश्ते दीवार है, इसे पढ़ लेना चाहिए। अगर हम इससे आगाह नहीं हुए और हमने आगाह नहीं किया बरादरान वतन को, तो वो आलम होगा कि रोहंगिया जैसा खेल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश यानी अरब ममालिक के अलावा बर्रे सगीर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, यह उसी प्लानिंग के तहत काम हो रहा है। लिहाजा इसी सूरत में आज उलमाए कराम का ये इज्तिमा इसी बात के लिए है कि सबसे पहले उलमाए कराम ने इनफरादी तौर पर जगह जगह अपने तौर से इस मुनाफिरत का मोहब्बत के ज़रिए मुकाबला किया और इस्लाम के उस पैगाम मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश किया कि जो इस्लाम ने वसीउल क़ल्बी के साथ तमाम अदियान आलम को जो है वो एहतराम बख्शा है। लिहाजा हम किसी मजहब के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे मजहब के ख़िलाफ़ इस तरह की गुफ्तगुएँ हुई तो हम खामोश भी नहीं बैठ सकते, जो आज का ये इज्तिमा इसी बात का ऐलान है। आज मुझे ये कहना पड़ता है कि एक शेर में किसी शायर ने कहा था कि सितम तो ये है हमारी सफ़ों में शामिल हैं, सितम तो ये है हमारी सफ़ों में शामिल हैं, चिराग बुझते ही खेमे बदलने वाले लोग। ये खेमे बदलने वाले लोग हैं वसीम रिजवी ने सबसे पहले हमारे मुसलमानों के दरमियान रहकर पहला काम जो किया वो मसलकी इख्तलाफात को हवा दी, देवबंदियत, बरेलवियत, शियत और दीगर मकातिब फ़िक्र को अलग अलग हिस्सों में बांटकर सहाबा इकराम की तौहीन की, मुसलमानों के खुलफाए राशिदीन की तौहीन की। उसी तरह होते होते जब उसका बस वहाँ नहीं चला
तो वहां से निकल करके वो जा करके एक मठ में बैठा, एक पूजा की, और पूजा करने के बाद से मुसलसल आज जो उसके बयानात आ रहे हैं और जिस तरह से आज उसके साथ लगकर के ताकतें काम कर रही हैं, आने वाले वीडियोस में आपने देखा कि खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं और उसके तहफ्फुज़ को लेकर के ये कहा जा रहा है कि अगर किसी ने हाथ भी लगाया या छेड़ा तो उसका अंजाम बुरा होगा। ये खुद एक मुल्क के आइन के सरासर खिलाफ है। लिहाजा हम सबसे पहले इस मुल्क में रहकर अपने मुल्क के आइन की पासदारी करते हैं और जो कुछ भी हम करेंगे हम न कहीं जज्बात से काम लेंगे और न कहीं कानून शिकनी करेंगे, बल्कि हमारे मुल्क के कानून में ऐसी तमाम तर दफात मौजूद हैं कि जिसको लेकर के हम ऐसे इंसानों को कुचल भी सकते हैं और ऐसे नज़रियात को पामाल भी कर सकते हैं। लिहाजा हमें जो कुछ भी करना है वो मुल्क के आइन को सामने रख करके करना है ताकि आने वाले वक्तों में जब भी तारीख लिखी जाए तो ये बात भी दोहराई जाए कि हमने जहां इस्लाम और इस्लाम के कवानीन को अपनी ज़िंदगी में नाफिज किया है वहीं इस्लाम के हुक्म पर अपने मुल्क के कानून का भी एहतराम किया है और उस मुल्क के कानून के साथ हम अपनी ये जो है बात जारी रखेंगे, अपना एहतजाज जारी रखेंगे और उस वक्त तक जारी रखेंगे कि जब तक ये कैफरे किरदार को नहीं पहुंच जाते और जब तक मुल्क से इस तरह की चीज़ों का खात्मा नहीं हो जाता। आइए।